चैत्रा सिमरिया थाना क्षेत्र के NH 22 पर गुढ़ाई गांव के समीप गुरुवार को दादा पोता का संदिग्ध स्थिति में शव मिला। शव के समीप ही मोटरसाइकिल व मोबाइल बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों की मौत वज्रपात से हुई है। वही शव मिलने की घटना की खबर के बाद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मृतकों की पहचान लावालंग थाना क्षेत्र के सुरेश साहू व सोनू कुमार के रूप में हुई है। घटना से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया है। जामकर्ता 25-25 लाख रुपए का मुआवजा मांग रहे थे। सड़क जाम लगभग 5 घंटा तक रही। इस दौरान चतरा रांची पथ पर आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सिमरिया के अंचल अधिकारी छुटेश्वर दास, पुलिस निरीक्षक के चौधरी व थाना प्रभारी विवेक कुमार, लावालंग के थाना प्रभारी नंदन कुमार व चतरा सदर थाना प्रभारी मनोहर करमाली मौके पर पहुंचे। इस पूरे घटनाक्रम में सदर थाना प्रभारी मनोहर करमाली ने सूझबूझ कर परिचय देते हुए आक्रोशित लोगों को समझाया। प्रशासन के समझाने बुझाने के बाद लगभग 5 घंटे बाद जाम हटाया गया। चतरा सदर थाना प्रभारी मनोहर करमाली ने शव को पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक सुरेश साव के पुत्र जागेश्वर साव ने बताया कि बुधवार को उनके पिता व पुत्र रिश्तेदार के यहाँ जबड़ा गांव गए हुए थे। देर शाम उन्होंने बगल गांव में झूमर देखा व पेट्रोल पंप पर तेल भराकर घर वापस लौट रहे थे। लोगों ने शाम 6 बजे उन्हें पेट्रोल पंप के आसपास देखा था। पुत्र ने बताया कि शव मिलने की सूचना गुरुवार की सुबह मिली। पुत्र ने किसी पर हत्या का शक होने से इनकार किया। वहीं पुलिस निरीक्षक के चौधरी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वज्रपात से मौत बता रहे हैं, कुछ लोग हत्या कर रहे हैं। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर परिजन आवेदन देते हैं तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। वहीं समाचार लिखे जाने तक परिजनों ने प्राथमिकी के लिए आवेदन नहीं दिया था। ये घटना हमको सुबह 7 बजे पता चला है कि बीच रास्ते में बघरा और लावालंग के बीच, मतलब कि अबुआ का बीच में, आपका पिताजी और बड़ा लड़का को मार के फेंक दिया गया है, या फिर पेड़ के नीचे है, पड़ा है, तो कुछ लोग का था वज्रपात के कारण भी हुआ है। अब इसमें हमको पता नहीं कि क्या कारण है, और हम सरकार से यही हमारा हाथ जोड़ी विनती है कि हमारा सरकार इसका पूरा जांच पड़ताल करके हमारा इसका फैसला करके देंगे, और इस तरह के जो होते जाते रह रहे केस इसको, और हमारा 25-25 लाख रुपया मुआवजा दे दें सरकार, और सो जो दोषी है बीच रास्ते में जो इस तरह के किया है, अगर छानबीन होने के बाद उसका जो सजा देना चाहे सरकार तो अपने फांसी देवे, चाहे जो भी सजा दे दो व्यक्तियों की, एक जिसमें दादा पोता हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि यह वज्रपात है, लेकिन परिजनों का कहना है कि यह हत्या है। हम लोग पूरी टीम यहाँ पहुँचे हुए हैं, छानबीन हम लोग को मौका अभी दिया जाना चाहिए, है ना। रोड जाम है ना, और हम परिजनों से यही कहेंगे कि अभी जो है हम लोग को मौका दिया जाए, है ना। लाश को जो है पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही क्लियर होगा कि ये क्या है। फिलहाल हम लोग उनके बयान पर हत्या का केस करेंगे, आगे जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो सबके सामने होगा, यही मेरा कहना है। अभी तक मृत्यु का कारण अज्ञात है। परिजनों मानने के लिए तैयार है सर? घटना जो घटी है, क्या है मामला? मामला जैसे अभी प्राइम फेसिया उनके गार्जियन से बात की गई, तो उनका कहना है कि हमको किसी से दुश्मनी नहीं है। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी है कि मर्डर है या फिर वज्रपात है, अभी क्लियर नहीं हो पाया कि क्या चीज़ है। तो पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद पता क्लियर हो जाएगा क्या मामला है। ठीक है, काफ़ी देर से सर। हाँ, इसलिए हम लोग वही बोले कि पोस्टमार्टम होने दीजिए, जो भी होगा उसके बाद आगे छानबीन की प्रक्रिया शुरू होगी। मान लीजिए वज्रपात होगा तो सरकारी प्रावधान के अनुसार जो भी सरकार का ये होगा प्रोविजन हम लोग करेंगे। अगर मर्डर होगा तो जो भी मर्डर होगा उसका प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी, कानून कार्रवाई की जाएगी।